हेलो गाइस, मैं हूँ जयश्री एंड वेलकम टू माय चैनल जोइस वर्ल्ड। आज मैं आप सबके सामने एक खास प्लान लेके आई हूँ जिसको बोलते हैं मुरैया पेनिकुलाटा या फिर टेबल कामिनी। इसका कई सारा वैरायटी होता है। आज मैं टेबल कामिनी जो ड्राफ्ट वैरायटी का है उस वैरायटी के बारे में बात करूँगी, उसके सारे एस्पेक्ट्स, उसके आपको केयर कैसे कर सकते हैं और सब कुछ मैं आज के इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए टेबल कामिनी, जैसे कि मैंने बोला है टेबल कामिनी का और तीन वैरायटी होता है इसका, और दो वैरायटी होता है। जो बड़ा वाला वैरायटी होता है उसमें वाइट कलर का फ्लावर आता है और उसमें उसका खुशबू बहुत ही खूबसूरत होता है। जो सेकंड वैरायटी है वो बड़ा वैरायटी से थोड़ा सा छोटे पत्तियों वाला होता है, जिस उसी में भी फूल आता है लेकिन उसका खुशबू बड़े वाले जैसा उतना खूबसूरत होता नहीं है। और आज मैं बात करूंगी इस ड्राफ्ट वैरायटी के बारे में। ये देखिए, इसका पत्तियाँ एकदम छोटा छोटा होता है, ये खास बड़ा नहीं होता है, ये ज़्यादा लंबा भी नहीं होता है। और ये देखिए, एक नेचुरल बॉन्साई है। इसका मतलब शेप देखिए एकदम राउंड है, जैसे बॉल जैसा इसका शेप है। ये देखिए, एक नेचुरल बॉन्साई है। इसके लिए आपको कुछ खास ध्यान रखना या कुछ कटाई छिटाई की ज़रूरत पड़ता नहीं है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अगर इसका आपको देखभाल करना है, प्रूनिंग करना है, देखिए जो डेड स्टेम है थोड़ा थोड़ा, ये जो डेड स्टेम है इस डेड स्टेम को आपको थोड़ा थोड़ा काट देना पड़ेगा। इसके अंदर भी होता है, देखिए इसके अंदर भी जो डेड लीव होता है इसको, इस सारे लीव को हटा देना पड़ता है। देखिए इसका खूबसूरत, कितना खूबसूरत ये प्लांट है। और इसको आप प्रूनिंग, इसका खास ज़रूरत नहीं है। मैं अगर कभी प्रूनिंग करती हूँ तो बस ऊपर ऊपर से इसको कटाई करके इसको एक राउंड लुक दे देती हूँ, बस इसका और कुछ खास प्रूनिंग की भी ज़रूरत नहीं होता है। ये देखिए, इसको बस काट के इसको एक राउंड लुक दे देती हूँ मैं इसे। अगर इसका मैं सनलाइट की बात करूँ तो फ्रेंड, इसके लिए खास मतलब तेज़ धूप की ज़रूरत नहीं है। आप सुबह सुबह का जो छन के धूप आता है या फिर सुबह का 4 से 5 घंटे का धूप इसके लिए एनाफ होता है। इससे ज़्यादा धूप में आप इसको रखेंगे तो पत्तियाँ इसका सूख जाएगा और पूरा प्लांट का पत्तियाँ मुरझा के गिर जाएगा। जैसे अंदर वाला पुराना पत्तियाँ देख रहे हैं, जैसे सूख गया है, ये अंदर का पत्ती है इसलिए सूख चुका है क्योंकि इसमें लाइट ज़्यादा आता नहीं है। इसीलिए एक एग्जांपल है कि आप इसको घर के अंदर भी नहीं रख सकते जहाँ पे बिल्कुल भी रोशनी नहीं आता। और देखिए ये बॉल शेप का है तो रोशनी अंदर तक नहीं पहुँच पाता है, रोशनी अंदर तक नहीं पहुँच पाता है, तभी इसके अंदर वाला जो लीव्स है ये सारा सूख चुका है, अंदर का लीव से सारा सूख चुका है। ये एक नेचुरल बॉन्साई है, आपको आप इसको बहुत ही इजीली एक बॉन्साई लुक दे सकते हैं। ये देखिए ये सूख गया है, मैं इस स्टेम को भी मैं काट दूंगी। तो आप सुबह सुबह का 4 से 5 घंटे का धूप इसके लिए एनाफ होता है, लेकिन आप इसको घर के अंदर नहीं रख सकते। घर के अंदर रखने से इसको धूप नहीं मिलेगा और आपका प्लांट और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। और इसका अगर सॉइल की बात करें तो इसके लिए फ्रेंड एकदम वेल ड्रेन सॉइल चाहिए, एकदम वेल ड्रेन सॉइल में इसको रखना पड़ेगा ताकि आप, क्योंकि इस प्लांट को ना क्या है कि इसके रूट में पानी जमा रहना हमेशा इसको पसंद नहीं है, तो इसके लिए आपको हमेशा वेल ड्रेन सॉइल बनाना होगा जिसमें सैंड का हिस्सा ज़्यादा होगा, ज़्यादा सैंड में आपको इसको उगाना होगा। और इसके अगर फर्टिलाइज़र का बात करूँ तो ख़ास फर्टिलाइज़र के इसके लिए ज़रूरत नहीं होता है। आप इसको जब सॉइल बना रहे हैं तो न्यूट्रिएंट रिच सॉइल बनाइए, इसमें वर्मी कंपोस्ट अच्छे से डालिए, वही सॉइल इसके लिए एनाफ होता है। इसको छोड़ के भी अगर आपको फर्टिलाइज़र देना है तो DAP या फिर आप
बोन मील भी इसमें डाल सकते हैं, या फिर नीम खली भी डाल, सॉरी मास्टर केक पाउडर भी आप इसमें डाल सकते हैं एज अ फर्टिलाइज़र। तो इसमें भी ये बहुत अच्छा ग्रो करेगा। मेरा ये प्लांट एकदम न्यूली ख़रीदा हुआ प्लांट है, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है। जितना दिन जाएगा ये पूरा पॉट को कवर कर लेगा। और ये जो देख रहे हैं आप बुद्धा का वो मेरा पॉट है, इस पॉट में ये जब पूरा भर जाएगा ना ऊपर का पोर्शन, तो बहुत ही खूबसूरत दिखने में लगेगा। ये देखिए आगे के पोर्शन से कितना सुंदर लग रहा है। ये जब पूरा भर जाएगा तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा। और मेरा बड़ा वाला जो प्लांट था, इसका वीडियो भी आप सब ने देखे हुए होंगे, अगर जो कोई नहीं देखा है उसके लिए मैं लिंक डाल दूँगी। इसका भी मैंने बॉन्साई बनाए थे, तो अभी इसमें काफ़ी टाइम लगेगा एक परफेक्ट बॉन्साई लुक आने के लिए। लेकिन ये है बाय डिफ़ॉल्ट नेचुरली एक बॉन्साई प्लांट का लुक इसमें रहता ही है। तो फ्रेंड अगर इसका हम प्रोपगेशन का बात करें, तो ये देखिए ये जो आप स्टेम देख रहे हैं, एक एक स्टेम या फिर मोटा वाला जो स्टेम है, इसको आप कट करके स्प्रिंग के सीज़न में या तो फिर मॉनसून में अगर आप इसको लगा देंगे तो इधर से ये प्रोपगेट हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छी तरीके से प्रोपगेट हो जाएगा। इस प्लांट को मैंने नर्सरी से लिए थे, ये वाला 200 रुपए में लिए थे। एक एक नर्सरी में एक एक अमाउंट वेरी करता है। और आजकल तो ये प्लान आपको ऑनलाइन में भी मिल जाएगा। ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है फ्रेंड। अगर आप सबके पास ये प्लांट अभी तक है नहीं, तो प्लांट को ज़रूर लाइए। सर्दियों के मौसम इसके लिए डॉर्मेंसी पीरियड होता है, तो इस टाइम पे पानी देना और कम कर दीजिए। एक ड्राफ्ट टॉलरेंट प्लांट है, इसको आप 2-4 दिन पानी नहीं देंगे तो इसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन आप इसमें ज़्यादा पानी देंगे तो आपका प्लांट ख़राब हो जाएगा। तो सर्दियों के मौसम में 4-5 दिन में एक बार ही पानी दीजिए इसमें, तो आपका प्लांट सही रहेगा। और गर्मियों के सीज़न में या मॉनसून में ये बहुत अच्छा ग्रो करता है। अगर आप किसी के पास अगर ये प्लांट नहीं है, तो ये प्लांट आप सब ज़रूर लाइए। ये बहुत ही खूबसूरत, और जो बॉन्साई पसंद करते हैं उन लोग तो खास करके ज़रूर लाइए इस प्लांट को। एक बहुत ही अच्छा खूबसूरत एक प्लांट है। तो फ्रेंड अगर आज का ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा है, तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। और हाँ, आप लोगों से एक शिकायत है, आप लोग वीडियो देखते तो हैं लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लोग मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हैं, उन लोग को तहे दिल से शुक्रिया। ऐसे ही आप लोग साथ मेरे हमेशा रहिए, ताकि मैं और इनकरेज हो पाऊँ आगे और अच्छा अच्छा वीडियो लाने के लिए। तो फ्रेंड मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, अगले नए किसी प्लान के साथ। तब तक के लिए टाटा।